तौर पर निमंत्रण देना चाहिए था, बुलाना चाहिए था, लेकिन जब हमने स्टेज और कार्यक्रम का के बारे में जब मालूमात की और वहाँ के जब हमने विरोध किया तो वहाँ के पुलिस ने डीसीपी ने मुझे खुद फ़ोन करके कहा कि मैंने इसकी जांच की है, ये कार्यक्रम सरकारी नहीं है और इसलिए आपका कोई विरोध करने का मौका नहीं बनता है, ये राजनीतिक कार्यक्रम है, बीजेपी का स्टेज है और बीजेपी का होर्डिंग लगा हुआ है। तो हमने विरोध जो करने का हमने फैसला किया था कि वहाँ पे जाके हम विरोध करेंगे, इसलिए हमने उसका विरोध करने का फैसला रद्द किया। लेकिन जब देखा कि सीओ एसआरए जाके वहाँ पर 40 सेकंड का भाषण कर रहे हैं और चाबियाँ बांट रहे हैं, तब हमें तब इस बात का ये पता चला कि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं, ये सरकार का कार्यक्रम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर कार्यक्रम किया गया, उसका विरोध है और उसमें किसी भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी को स्टेज पर जाकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अधिकार कानूनी तौर पर नहीं है। देखिए ये तो जनता वहाँ की जानती है, इसीलिए तो वहाँ के सभी लोगों ने कल मुख्यमंत्री उसी इलाके में कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार किया, लोग वहाँ के लोग सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि उनको पता है कि झूठ बोला जा रहा है, धोखा हमको दिया जा रहा है और इसीलिए लोग शामिल नहीं हुए और अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको अगल बगल के इलाके से बस में लोगों को बैठा कर लाया गया। मुख्यमंत्री महोदय नंदगिरी गेस्ट हाउस पर 1.5 घंटा इंतजार किए, जब लोग पहुँच गए उनके कार्यकर्ता तब वो कार्यक्रम में आए। ये थैंक यू वेरी मच।